हे गाइस, दिस इज शिवा। तो गाइस, स्वागत है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस सीरीज की एक और न्यू वीडियो पार्ट नंबर 41 में। अगर आपने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखी हो तो एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार चेक करके देखें, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ से उन्हें आप देख लेना। और गाइस, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे आपका सपोर्ट मिलता है कि मैं और भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। तो चलिए गाइस, बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज की इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस। तो गाइस, पहला सेंटेंस है, आपने मुझे कभी नहीं बताया। यू नेवर टोल्ड मी। You never told me. आपने मुझे उसके बारे में कभी नहीं बताया। You never told me about her. You never told me about her. यहां कैसे आना हुआ। What brings you here? What brings you here? क्या आप उसे वापस दे सकते हैं? Can you give that back, please? Can you give that back, please? मुझसे आकर मिलने के लिए धन्यवाद। Thank you for coming to meet me. Thank you for coming to meet me. मुझ पर चिल्लाओ मत। डोंट शाउट एट मी। डोंट शाउट एट मी। अपने हथियार फेंक दो। थ्रो योर वेपन्स। Throw your weapons. अपने हथियार नीचे करो। Lower your weapons. Lower your weapons. हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। We could help each other. We could help each other. किसी ने मेरा जूस पी लिया। Someone drank my juice. Someone drank my juice. इसमें वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। It has everything that you need. It has everything that you need.
यह उसकी गलती नहीं थी। इट वॉजंट हिज फॉल्ट। इट वॉजंट हिज फॉल्ट। आपने टीवी चालू छोड़ दिया। यू लेफ्ट द टीवी ऑन। यू लेफ्ट द टीवी ऑन। आपको यहां नहीं होना चाहिए। यू शुडंट बी हियर। You shouldn't be here. तुम्हारा दोस्त मुझसे नफरत करता है। Your friend hates me. Your friend hates me. ये समझना मुश्किल है। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड। तो ये थे गाइस कुछ आज के यूजफुल इंग्लिश सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। अगर यूजफुल लगी होगी तो जरूर अपने इंग्लिश सीखने वाले दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंग्लिश प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू गाइस, बाय बाय।